Preview. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आईकेएस व्लॉग्स। एक कोड बताता हूं, ये मेरा कोड नहीं है, भगवत गीता में लिखा है, मैन इज मेड बाय हिज बिलीफ, एज ही बिलीव सो ही इज। बहुत डीप है ये, सोचना कभी, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड स्पेशली व्हेन सो मच ऑफ नेगेटिविटी इज गोइंग ऑल अराउंड। Personally, I feel three things that every individual at his or her level can do. So, वो तीन चीजें क्या हैं? Let's see. See, the first one and the foremost is do the things you love. इसको relate करो, like अगर career wise सोचना है, so if you wanna become an engineer, go for it. Don't think what others are saying. If you wanna become a doctor, go for it. If you wanna do something different, art field लेके कुछ और करना है, go for it because that's the thing you love. Understand it. Same comes with hobbies also. Like, I love traveling. I love going to the mountains. So, I do that. Similar, same thing applies to you also. If you love reading book, go read books. If you love watching movies, go watch movies. If you love playing outside, go play outside. But it should not compromise the daily routine of your life. ठीक है, मतलब वो चीज करो जो पसंद है, लेकिन इतना पागलपन भी ना हो कि उसके चक्कर में normal life disturb हो जाए। सेकेंड पॉइंट इज कीप योर सेल्फ बिजी। बिजी इन सेंस मतलब अगर आप खाली रहोगे तो खाली दिमाग में बहुत चीज़ें आती हैं, लाइक आप सोचते रहोगे कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है, लाइक सबसे ज़्यादा बुरा यही सोच सकते हैं कि यार इस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा है, लेकिन उसको पॉजिटिव मैनर में देखो कि अगर हम खुद का ध्यान रखें, सारी प्रिकॉशन लें, बच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रिकवरी रेट भी अपनी कंट्री में तो अच्छा चल रहा है, 58 पॉइंट कुछ था जो मैंने लास्ट देखा था, तो उसको पॉजिटिव वे में लो। बाकी अपने आप को बिजी, ऑल्दो वी ऑल आर बिजी, मतलब किसी मतलब ऐसा टाइम नहीं होता कि किसी बात करें कुछ करें, लेकिन यू नो पॉजिटिव मैनर रखो अपने आप को, बिजी नेगेटिव नहीं, बिजी ऐसे सोचते नहीं कि यार ये हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं, अपने आप को पॉजिटिव वे में रखो, थिंक इन अ पॉजिटिव मैनर, अंदर से अच्छा लगता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। अब न्यू थिंग्स मतलब जैसे जो ये टाइम था हमारे पास 3-4 महीना कोरोना का टाइम था, तो इसको हम यूटिलाइज कर सकते थे काफ़ी चीज़ों में जो हम शायद पहले नहीं कर पाए। हमारा सोचा हुआ 1-2% कि हमने ऐसा, जैसे अगर मैं पर्सनल एग्जांपल हूँ अपना खुद का, सो मैं ज़्यादा बुक्स वगैरह मैं पढ़ता नहीं था, बट 1-2 बुक मैंने पढ़ी, अच्छा लगा, अंदर से अच्छा लगा। एक पे मैंने ब्लॉग भी बनाया था कि वो पर्सनली बुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, सो उस ब्लॉग का लिंक डाल दूंगा, आ रहा होगा स्क्रीन पे। उसके बाद कुछ आप सीरीज़ देख सकते हैं, पबजी मैंने खेला 1-2 times, तो ऑल दो आई एम अ नूब इन दैट, बट हाँ सही लगा था वो भी। सो नई नई चीज़ें सीखो आप किचन वगैरह में कुछ भी, या फिर जो भी आपको लगे आप सीखें, योगा मेडिटेशन कुछ भी कर सकते हैं आप, बहुत कुछ है करने को, इंसान चाहे तो कुछ कर सकता है। आर्ट्स वगैरह मतलब मेरा पर्सनली शौक था कि कुछ कोशिश करूँ मैं भी ड्राइंग वगैरह की सॉरी, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया, मतलब मौका नहीं मिला ऐसा। सो दिस इज अ थिंग, इंडल्ज योरसेल्फ इन लर्निंग न्यू थिंग्स, मतलब उसका आगे कुछ फायदा हो भी सकता है एंड आपको मजा भी आएगा अंदर से। दैट्स इट, सो दैट्स इट फ्रॉम द व्लॉग। ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं है एक्चुअली, ये व्लॉग मैंने इसलिए बनाया कि ये चीज़ मैं खुद अपने आप को, मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था अपने आप को, तो ये कुछ चीज़ें मैं फील कर पा रहा था कैसे अपने आप को रखूँ मोटिवेट, या मतलब कैसे पॉजिटिव चीज़ सोचूँ। तो मुझे ऐसा लगा ये तीन चीज़ करके शायद हो सकता है कि हाँ कुछ अच्छा लगे, अंदर से अच्छा लगे, मुझे लगा भी। सो मुझे लगा कि यार मे भी शायद मेरे से 1-2 जने हो, तो अगर उनका कुछ फ़ायदा हो जाए, उन्हें अच्छा लगे, सो कुछ बुराई नहीं है। सो विल मीट यू सून इन अ न्यू ब्लॉग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज IKS ब्लॉग्स। लव टू ऑल, मोर टू लाइफ, कीप सपोर्टिंग IKS ब्लॉग्स, गुड बाय, टेक केयर।